नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बिहार में चुनाव से पहले जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जी हां, नीतीश कुमार अपने ही नेता को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। दरअसल पूर्व सांसद पवन वर्मा की नागरिकता कानून पर खुली चिट्ठी से नीतीश नाराज हैं और पवन वर्मा को बता दिया कि वो चाहे तो अपनी पसंद की पार्टी में जा सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही इस बयान के खासकर पहले ही एक दिन पहले ही जेडीयू ने अपने बागी नेता पवन वर्मा और प्रशांत किशोर के खिलाफ एक्शन लेने के संकेत दिए थे, जिसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा था कि ये दोनों नेता पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर लगातार इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, जिसके बाद इस तरह की चिट्ठी भी सामने आई और नीतीश कुमार की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया पवन वर्मा को लेकर कि अगर उन्हें पसंद नहीं है पार्टी की बातें तो वो जहां चाहे वहां जा सकते हैं। मैंने पत्र लिखा है आदरणीय नीतीश कुमार जी को कि एक जिम्मेदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत में ये जरूरी है कि पार्टी के लिए एक वैचारिक स्पष्टि यानी आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी होना जरूरी है। अब तक हमारा गठबंधन बिहार तक सीमित था और राष्ट्रीय स्तर पर दोनों पार्टी कोई भी रुख अपनाने के लिए स्वतंत्र थी। अब इस समय जबकि देश में एक देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, एक प्रतिक्रिया है, एक आक्रोश है CAA NRC को लेकर के, और नीतीश जी ने यह कह दिया है कि NRC बिहार में नहीं होगी और NPR और CAA पे कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं दिया है, ऐसी स्थिति में यह बहुत जरूरी है कि पार्टी पहले अपने वैचारिक दृष्टि को स्पष्ट करे। कुछ लोगों के बयान से जनता दल यूनाइटेड को मत देखिए। जनता दल यूनाइटेड बहुत ही दृढ़ता के साथ अपना काम करती है और कुछ चीजों पर हम लोगों का जो स्टैंड होता है बहुत साफ होता है। एक भी चीज के बारे में हम लोग किसी कंफ्यूजन में नहीं रहते, लेकिन अगर किसी के मन में कोई बात है तो आकर के विमर्श करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उसके लिए अगर वो जरूरी समझे तो पार्टी की बैठक में चर्चा करनी चाहिए। लेकिन इस तरह का वक्तव्य देना, आप खुद देख लीजिए, ये कोई आश्चर्य की बात है किस तरह का वक्तव्य आप दे रहे हो कि हमसे क्या बात करते थे। अब हम कहेंगे कि हमसे क्या बात करते थे, ये सब कोई तरीका है? तो इन बातों को छोड़ दीजिए, मुझे फिर भी सम्मान है और इज्जत है, लेकिन जहां उनको अच्छा लगे वहां जाए। और नीतीश के बयान के बाद आज पवन वर्मा ने क्या कहा ये सुनिए। जो पत्र मैंने उनको लिखा उस पर जो महत्वपूर्ण टिप्पणी उनकी है जो आज उन्होंने दी है वो ये है, उन्होंने कहा है कि पार्टी में विचार विमर्श होना भी चाहिए और उसकी जगह भी है। मेरा आग्रह तो उनसे यही था कि विचार विमर्श के बाद पार्टी में वैचारिक स्पष्टीकरण हो, क्योंकि पार्टी कुछ ऐसे निर्णय ले रही है जैसे कि अब तक हमारा गठबंधन BJP के साथ बिहार तक सीमित था, अब हमने उसको एक विस्तार दे दिया है दिल्ली में। क्या ये वैचारिक स्पष्टीकरण के बाद किया गया है कि नहीं? आखिरकार BJP की इतनी पुरानी सहयोगी पार्टी जैसे अकाली दल है, उसने भी वैचारिक क्लैरिटी के बेसिस पर कहा कि हम